बट uh, उसमें लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम किस तरीके की थी वो थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिटर्जेंट पाउडर टाइम प्लस आपका वाटर वो चारों चीजें बहुत ज्यादा वेस्ट जा रही थी जिससे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी बट आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टिंग वीडियो है जिसका जो वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ सिक्स पॉइंट टू वॉबल मशीन का ही है वो भी ऑटोमेटिक मोड पर नहीं है बट वो वो है आपके मैनुअली मोड पर अब मैनुअली मोड पर कैसे है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से आप ऑटोमेटिक मोड से हटकर मैनुअली मोड पर आप अपने क्लोथ्स को कैसे वॉश कर सकते हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हम आ गए अपने वॉशिंग मशीन के पास में और आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है यहां पर पावर बटन फ्यूजी और क्विक सोक इस तरीके से कुछ बटन दिए हुए हैं यहाँ पर है पावर बटन और इसी के इसी के इसको प्रेस करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमने इसमें क्लॉथ्स डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन के अंदर साथ ही आपको दिखाई दे रहा होगा डिटर्जेंट तो हमने डिटर्जेंट जो इसकी जो किट है उसमें डिटर्जेंट भी इसमें हमने डाल दिया है अब इसे क्लोज कर देंगे और इसके साथ ही अब मैं कर रही हूँ अपने पावर बटन को ऑन तो आप देख सकते हैं इसके साथ मैं इसमें यहाँ पर फ्यूज़ी जो बटन दिया हुआ है इसे प्रेस कर रही हूँ प्रेस करके अब मैंने देखा है यहाँ पर वॉश का बटन अब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्सटीन लिखा हुआ रहा है उसके साथ ही आप यहाँ कर दीजिए स्टार्ट स्टार्ट के साथ ही आपके पास जिस तरीके से आपके जिस वेट के आपके क्लॉथ होंगे उस वेट का आ, आपकी मशीन जो है वो है वाटर लेना स्टार्ट कर देगी आप देख सकते हैं अभी कुछ ही देर में यहाँ पर वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर अभी आप नाइनटीन देखेंगे क्यों क्योंकि अब आप नीचे भी देख रहे होंगे कि मशीन ने ऑटोमेटिक वाटर लेना स्टार्ट कर दिया है तो थ्री टू फोर मिनट यहाँ पर मशीन वाटर लेगी और उसके बाद में ये जो सिक्सटीन जो टू फिफ्टीन मिनट का ये जो प्रोसेस चलेगा ये चलेगा केवल आपके वॉश का उसमें केवल आपके कपड़े वॉश होंगे आपको रिंस आपको सेल्फ करना पड़ेगा अगर जब वॉश हो जाएगी आपकी मशीन में कपड़े तब आपकी मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और जब बंद हो जाएगी तो आपको अपने जो कपड़े हैं वो निकाल कर उन्हें रेंज़ करना पड़ेगा अपने आप वाटर से आपको जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा केवल आपके रेंजिंग का लगेगा जिससे आपके कपड़े अच्छे से वॉश हो जाएंगे और साफ़ पानी से निकल जाएंगे और आप चाहें तो इस मशीन में ही रिंस कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट क्लीन वाटर से निकाल कर आप डायरेक्ट धूप में इन्हें सुखाने के लिए डाल सकते हैं तो इस तरीके से मैनुअली मोड आप यूज़ कर सकते हैं इस मशीन का और स्पिन भी आप मैनुअली मोड पर इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं हमने जाना कि किस तरीके से पर सेट करके अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़ों को कैसे धोया जा सकता है साथ ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाटर डिटर्जेंट पाउडर वगैरह किस तरीके से सेव किया जा सकता है आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में बाय